हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताया हूँ कि अगर आपको पता नहीं है कि आपका आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो अब आप घर बैठे ही अपने ही फ़ोन से ऑनलाइन पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसे आधार कार्ड में नंबर कौन सा आपका दिया हुआ है, कैसे चेक करिएगा, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है UIDAI। सर्च बार में टाइप करना है UIDAI, लिखकर सर्च कर देना है। सर्च करते ही सबसे फर्स्ट में आपको UIDAI.gov.in दिख रहा हो, यही आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आपको चले जाना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, आप भी इसे ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, तो आप देख सकते हैं ये आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि क्या क्या करना है, देख लीजिए। यहाँ आपको आधार सर्विस दिख रहा होगा लिखा हुआ, यहाँ पर आपको वेरीफाई एन आधार नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो आप देखिए अभी लोड ले रहा, देखिए इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दे देना है, यहाँ पर आपको कैप्चा वेरीफाई कर लेना है और आपको यहाँ पर कौन सा फ़ोन नंबर रजिस्टर है आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको आधार नंबर डालकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ 6256। देखिए आधार नंबर डाल दिए, यहाँ पर आपको कैप्चा डाल लेना है, जो नीचे ये लिखा हुआ दिख रहा है DRT36, इस प्रकार का आपको कुछ भी लिखा हुआ दिखेगा कैप्चा, तो इसको यहाँ पर फिल कर लेना है देखकर, ठीक है, जैसा है वैसा ही फिल कर देना है। तो मैं इस प्रकार से फिल कर लेना है, फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई है, उस पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपका कौन सा नंबर आधार कार्ड से लिंक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा आधार नंबर ये दिखा रहा है, और देख लीजिए यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर का लास्ट 3 डिजिट दिखा रहा है। यहाँ से मैं पता चल गया है कि मेरा कौन सा नंबर इसमें रजिस्टर्ड है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, मैं इसे अपडेट करूँगा। तो इसे अपडेट करने के लिए मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा पर कैसे अपडेट होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।